हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रूपल है। आज हमारे साथ मधुल जी हैं, इनकी D12 L1 लेवल ऑफ फ्रैक्चर है। आज हम प्लैंक एक्सरसाइज करने वाले हैं। प्लैंक एक्सरसाइज की जो प्लैंक साइज जो होती है वो हमारी कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, कोर की स्टेबिलिटी बढ़ाती है एंड पेल्विस की स्टेबिलिटी बढ़ाती है। मैम नी से होल्ड करेंगे। मृदुल जी पेल्विस को ऊपर उठाइए, वापस नीचे, नीचे से ऊपर, गुड। इसके हम 15 के दो सेट कर सकते हैं। 1 उठाइए, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। अगर हमें लगता है कि हमारा पेशेंट बहुत स्टेबिलिटी से ही कर पा रहा है तो हम उसे वेट के साथ भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये 2 kg का वेट है, मैं पेल्विस पे रखूँगी। नाउ मैं बोलूँगी कि आप अपनी पेल्विस को ऊपर उठाइए। दोबारा से मृदुल जी पेल्विस आप कीजिए, गुड। वापस डाउन, 1, 2, 3 गुड, 4 टाइट करके, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिस्टर राजेश जी, इनकी लेवल ऑफ इंजरी D5, D6, D7 है। आज हम इनको कराएंगे क्रंचेस। क्रंचेस हम इसलिए कराते हैं जिससे हमारी कोर की मसल स्ट्रेंथनिंग हो सके। चलिए राजेश जी बोल दीजिए, चलिए आइए ऊपर आइए। 1 इसको क्रंचेस हम 25 का सेट 2 कराएंगे। अगर पेशेंट की कंडीशन अच्छी है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। और पीछे हमने क्या है, पिलो रख दिया है जिससे क्या है ये आराम से पीछे की तरफ जा सके। आइए 1, 2, 3 आइए ऊपर आइए, 4, 5, 6 ऊपर आइए। और इसमें हम ये ध्यान से रखेंगे कि पेशेंट की साइड पोस्चर जो है बिल्कुल सीधा जाए, ना कि साइड में जाए ना कि इस तरफ आए, बिल्कुल सीधा आए और सीधा जाए। आइए कंटिन्यू, 11, 12 और ये ध्यान में रखेंगे कि पेशेंट एकदम आराम से आए, झटके से ना पीछे जाए ना झटके से आगे आए। स्लोली आइए, गुड गुड, आइए स्टॉप, बस छोड़ दो, ठीक है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रिजिंग एक्सरसाइज में आपको पूरा सीधा लेट जाना है, उसके बाद दोनों हाथ बॉडी के पास रहेंगे, आपको दोनों नी बैंड इस तरह से करना है। अब पेशेंट को हम गाइड करेंगे, दोनों पंजे के ऊपर प्रेशर लें और दोनों घुटनों पर जोर लेते हुए अपनी कमर को ऊपर अधिक से अधिक उठाएं। चलिए सर, दोनों पंजों पर जोर देके कमर उठाएं, पेट टाइट करके रखें, रोके अभी 5 सेकंड तक हम इसे होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 अब धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे, दोबारा ऊपर लाइए, पंजों पे प्रेशर दो, घुटनों के ऊपर प्रेशर दो, फिर कमर उठाएंगे, पेट टाइट करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूट्स को पूरा टाइट करके उठाने की कोशिश करें। रोको, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे लाएंगे धीरे धीरे। ध्यान ये रखना है कि नीचे लाते टाइम आपको स्लो धीरे धीरे नीचे लाना है ताकि आपका कंट्रोल और अधिक बढ़ पाए। इनका नाम सूरज जी है, इनका जो लेवल ऑफ इंजरी है D10 to D11 है। इनके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के इम्प्रूव के लिए हम ये एक्सरसाइज करा रहे हैं। इसका इफेक्ट जो हमारी कोर पे और जो बैक मसल्स है उन पे आएगा, जिससे हमारा स्टैंडिंग में भी और सिटिंग में भी बैलेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है। ठीक है सूरज जी, गुड। कोर टाइट करके आना है आगे, ठीक है। इसके हम 25-25 के रैप्स कराते हैं, गुड। अगेन, बढ़िया, फिर से, गुड। अगेन, ये हमारे पेशेंट है पंकज सिंह, इनको D6 में जो है इंजरी है और इन्हें जो है आज VMO एक्सरसाइज कराएंगे। VMO जो होती है हमारी लॉकिंग एंड लॉकिंग के लिए कराते हैं, ठीक है। इसमें हम बोस्टर लगाएंगे नी के नीचे और 45 डिग्री अबव ऊपर उठाएंगे। और इसमें जो है VMO जो हमारी वास्टस मिडिल ईस्ट ओब्लिकस मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे हम। इसके जो हम सेट करेंगे इसमें हम 25 सेट करेंगे पर एक्सरसाइज में। तो पंकज जी ऊपर उठाओ, उठाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लॉकिंग एंड लॉकिंग के लिए कराते हैं हम मोस्टली। जो हमारे पेशेंट नी होल्ड नहीं कर पाते उसके लिए हम ये एक्सरसाइज कराते हैं।